हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड इस चैनल और वीडियो के थ्रू आप अपने सभी मैथ्स और साइंस के कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर सकते हैं। तो आज हम क्लास नाइन्थ की मैथमेटिक्स पढ़ेंगे, चैप्टर टू, पॉलिनोमियल्स। तो सबसे पहले पॉलिनोमियल्स के क्वेश्चन करने से पहले हम समझेंगे पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल वह एक्सप्रेशन है जिसमें थ्री या थ्री से ज़्यादा टर्म्स होते हैं, और एक्सप्रेशन और टर्म कॉम्बिनेशन होता है कोफिशेंट, न्यूमेरिकल कोफिशेंट और वेरिएबल्स का। कोफिशेंट सारे नंबर्स होते हैं और वेरिएबल सारे अल्फाबेटिकल लेटर्स होते हैं फ्रॉम ए टू जेड। और पॉलिनोमियल थ्री या थ्री से ज़्यादा इन्हीं टर्म्स का कॉम्बिनेशन होता है, एक्सप्रेशन होता है। तो आइए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए, क्योंकि इनकी डिटेल्स आपने क्लास एट्थ में भी पढ़ी होगी, तो क्लास नाइन्थ को आगे की ओर बढ़ाते हैं और एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2.1। इस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन इनमें से एक्सप्रेशन इनमें से जो भी एक्सप्रेशन दिए हैं वो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल हैं या नहीं हैं। सो सबसे पहले हम समझेंगे कि पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल होता क्या है। फॉर बीइंग अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, थ्री कंडीशंस मस्ट बी सेटिस्फाइड। एंड फर्स्ट कंडीशन इज देयर शुड बी ओनली वन वेरिएबल, उसमें केवल एक ही वेरिएबल होना चाहिए। मीन्स अगर x है तो x ही हो, y है तो y ही हो, और z है तो z ही हो। अनदर कोई लेटर उसमें नहीं होना चाहिए। कंप्लीट एक्सप्रेशन में केवल एक ही वेरिएबल होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री। अब इसमें आप देख सकते हैं कि केवल x ही है कंप्लीट एक्सप्रेशन में, y या z कॉम्बिनेशन में नहीं है, मींस मिक्स कॉम्बिनेशन में नहीं है। और सेकंड कंडीशन फॉर बीइंग पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल इज वेरिएबल टर्म होना चाहिए, स्क्वायर रूट में नहीं होना चाहिए। वेरिएबल टर्म स्क्वायर रूट में नहीं होना चाहिए, मींस अगर x है तो x ही हो, x होना चाहिए। क्या होना चाहिए? x। रूट एक्स इज नॉट पॉसिबल। और थर्ड कंडीशन फॉर बीइंग पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल इज वेरिएबल टर्म शुड नॉट बी इन फ्रैक्शनल फॉर्म, मींस वेरिएबल टर्म सिंगली होना चाहिए, फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं होना चाहिए। मींस वन अपॉन एक्स इज नॉट पॉसिबल। सो इन थ्री कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट है 4x² + 3x + 7। अब हम इसको ध्यान से स्टडी करेंगे। इस पूरे एक्सप्रेशन में केवल x ही है, सो फर्स्ट कंडीशन इज सेटिस्फाइड। और इसमें जो x है वो स्क्वायर रूट टर्म में नहीं है, तो सेकंड कंडीशन इज़ आल्सो सेटिस्फाइड। और थर्ड कंडीशन हम देखेंगे, इसमें जो वेरिएबल टर्म है वो फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं है, सो थर्ड कंडीशन इज़ आल्सो सेटिस्फाइड। सो हम इसे कह सकते हैं कि ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। सो हम इसमें लिख देते हैं पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल।
अब हम सेकंड इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखेंगे जो कि है y स्क्वायर प्लस रूट टू। अब हम इसमें देखेंगे कि इसमें केवल एक ही वेरिएबल है, सो फर्स्ट कंडीशन इज सेटिस्फाइड, और जो वेरिएबल टर्म है वो स्क्वायर रूट में नहीं है तो सेकंड कंडीशन इज आल्सो सेटिस्फाइड, और थर्ड देखेंगे कि जो वेरिएबल टर्म है वो फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं है सो थर्ड कंडीशन इज आल्सो सेटिस्फाइड, हैंस इट इज आल्सो पॉलीनोमियल इन वन वेरिएबल। नाउ हम इसका थर्ड पार्ट देखेंगे विच इज थ्री रूट टू प्लस थ्री रूट टी प्लस टी रूट टू। अब हम इसमें देखेंगे कि इसमें है तो एक ही वेरिएबल लेकिन जो वेरिएबल टर्म है वो स्क्वायर रूट फॉर्म में है, सो सेकंड कंडीशन तो सेटिस्फाई नहीं है सो इट इज़ नॉट पॉलीनोमियल इन वन वेरिएबल विच इज़ थ्री रूट टी प्लस टी रूट टू, नॉट पॉलीनोमियल इन वन वेरिएबल, पॉलीनोमियल इन वन वेरिएबल। नाउ फोर्थ पार्ट देखेंगे विच इज़ y प्लस टू अपॉन वाई। क्या है y प्लस टू अपॉन वाई? अब हम इसे ध्यान से देखेंगे, इसमें वेरिएबल टर्म तो एक ही है, फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई है लेकिन इसमें थर्ड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी क्योंकि जो वेरिएबल टर्म है वो फ्रैक्शनल फॉर्म में है। किस फॉर्म में है? फ्रैक्शनल फॉर्म में है विच इज़ नॉट पॉसिबल, सो इट इज़ नॉट पॉलीनोमियल इन वन वेरिएबल। ओके, अब हम इसका फोर्थ पार्ट, इसका हम फिफ्थ पार्ट देखेंगे। फिफ्थ पार्ट है x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस t की पावर 50। अब इसमें हम देखेंगे कि थ्री वेरिएबल्स एक साथ हैं सो इसकी तो फर्स्ट कंडीशन क्लियरली नॉट सेटिस्फाइड सो इट इज़ ऑल्सो नॉट पॉलीनोमियल इन वन वेरिएबल। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है, अब हम सेकंड क्वेश्चन में आएंगे। राइट कोफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, सो इसमें हमें एक्स स्क्वायर के कोफिशेंट्स लिखने हैं यानी कि न्यूमेरिकल टर्म्स लिखने हैं जो कि उससे अटैच्ड हैं, जो कि उससे जुड़े हैं। फर्स्ट पार्ट हम देखेंगे 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसमें एक्स स्क्वायर टर्म है सेकंड टर्म। अब इससे अटैच्ड न्यूमेरिकल टर्म तो वैसे हमें कोई क्लियरली लिखा हुआ नहीं नज़र आ रहा है तो इस केस में हम न्यूमेरिकल टर्म या कोफिशेंट लेंगे 1 जब हमें कोई नंबर नज़र नहीं आ रहा है। अब हम सेकंड पार्ट में आएंगे 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, इसका एक्स स्क्वायर टर्म है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसमें भी कोई सिंगली कोई नंबर तो रिप्रेजेंटेड नहीं है सो हम इसका कोफिशेंट बोलेंगे विद साइन माइनस वन। मीन्स अगर आपको न्यूमेरिकल कोफिशेंट या कोफिशेंट लिखना है तो आपको विद साइन लिखना पड़ेगा, अगर माइनस है तो आप माइनस लिखें, प्लस को जनरली लिखने की कोई ऐसी ज़रूरत नहीं होती है। नाउ हम थर्ड पार्ट में आएंगे पाई अपॉन टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसमें एक्स स्क्वायर टर्म है पाई अपॉन टू एक्स स्क्वायर, इसका इससे अटैच जो न्यूमेरिकल टर्म है वो है पाई अपॉन टू। पाई इज़ ऑल्सो अ न्यूमेरिकल टर्म बिकॉज इसकी वैल्यू आपको पता ही है कि 22/7 होती है सो इसका कोफिशेंट होगा हमारा पाई अपॉन टू। अब हम फोर्थ पार्ट में आते हैं रूट टू एक्स माइनस वन, इसमें कोई
एक्स स्क्वायर टर्म नहीं है, सो इसमें इसका यहाँ पर कोई कोफिशिएंट नहीं होगा। कोफिशिएंट हम क्लियरली ज़ीरो लिख सकते हैं क्योंकि इसमें कोई एक्स स्क्वायर टर्म नहीं है। और अगर हम जनरली अगर हम इंक्लूड करना भी चाहें तो हम ऐसे इंक्लूड कर सकते हैं प्लस ज़ीरो एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर एक्स स्क्वायर टर्म हमें ज़बरदस्ती या फिर इंक्लूड करना है, इट इज़ इफ़ इट इज़ कंपल्सरी देन यू कैन से दैट कोफिशिएंट विल बी ज़ीरो एंड यू कैन ऐड द एक्स स्क्वायर टर्म इन द फॉर्म ऑफ ज़ीरो एक्स स्क्वायर। ओके, सो हमारा सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। ये एक्सरसाइज काफ़ी इजी है और आप इसे बहुत इजीली समझ सकते हैं। नाउ हम थर्ड क्वेश्चन में आते हैं। गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ द फॉलो ईच ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। मींस हमें बाइनोमियल लिखना है ऑफ डिग्री 35 और मोनोमियल लिखना है ऑफ डिग्री 100। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि बाइनोमियल क्या होता है। ये चीज़ आपने पिछली क्लास में भी पढ़े होंगे, बाइनोमियल, मोनोमियल एंड ट्राइनोमियल। मींस आपने क्लास 8th, 7th में भी पढ़ा होगा। बाइनोमियल वह एक्सप्रेशन होता है जिसमें दो टर्म होते हैं। बाइनोमियल क्या होता है? जिसमें दो टर्म होते हैं। एग्जाम्पल के जैसे आप समझ सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ठीक है। और मोनोमियल मीन्स सिंगल। मोनोमियल में केवल एक ही टर्म होगा, फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर। बाइनोमियल में टू टर्म्स होंगे, मोनोमियल में एक। और ट्राइनोमियल में कितने होते हैं? ट्राइनोमियल में थ्री टर्म्स होते हैं। ट्राइनोमियल में कितने होते हैं? ट्राइनोमियल में थ्री टर्म्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, या आप समझ सकते हैं। नाउ इस क्वेश्चन में हमें बाइनोमियल लिखना है ऑफ डिग्री 35। अब इस चैप्टर के स्टार्टिंग में मैंने आपको डिग्री के बारे में भी कुछ नहीं बताया था। सो डिग्री इज़ द हाइस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल। किसी भी पॉलिनोमियल की हाइस्ट पावर को हम क्या बोलेंगे? डिग्री। सो फॉर एग्जाम्पल आई टेक द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। इसमें जो हाइस्ट पावर है वो आपको दिख रही है क्लियरली, क्या है? 2 है। इसकी हाइस्ट पावर क्या है? हाइस्ट पावर इज 2। सो इसकी डिग्री भी क्या होगी? इसकी डिग्री होगी 2। ओके, सो हम इस क्वेश्चन को आगे की ओर बढ़ाते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट है, हमें डिग्री लिखनी है 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x। इसमें जो हाईएस्ट पावर है आपको क्लियरली नज़र आ रही है, क्या है? 3। सो इसकी डिग्री क्या होगी? इसकी डिग्री होगी 3। अब हम नेक्स्ट पार्ट में आते हैं, 4 माइनस वाई स्क्वायर। इसमें भी हाईएस्ट पावर आपको नज़र आ रही है, क्या है? 2 है। तो इसकी डिग्री क्या होगी? 2। हाईएस्ट पावर मीन्स जो ग्रेटेस्ट पावर किसी भी एक्सप्रेशन में होगी। अब हम इसके थर्ड पार्ट में आते हैं। थर्ड पार्ट में 5t माइनस रूट 7। इसमें हाईएस्ट पावर क्या है? 1 है। क्या है? 1 मैंने आपको पहले भी बोला है, 1 को क्लियरली ऐसे लिखने की कुछ खास ज़रूरत नहीं होती है, तो वी शुड अंडरस्टूड इट क्लियरली। सो इसकी डिग्री होगी 1। नाउ हम फोर्थ पार्ट में आते हैं जो कि है 3। अब इसमें तो कोई वेरिएबल टर्म है नहीं, तो इस केस में हम डिग्री क्या बोलेंगे? 0। जब कोई वेरिएबल टर्म ना हो तो हमें डिग्री क्या लिखनी पड़ती है? 0 डिग्री लिखनी पड़ती है। अब हम इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर फाइव में क्या है? क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। सबसे पहले हम समझेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? जिसकी डिग्री क्या होती है? 1। जिसमें डिग्री 1 होगी उसको आप बोलेंगे
हाइस्ट पावर वन होगी उसमें आप बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। सेकंड होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हाइस्ट डिग्री होती है 2। सो जिसमें हाइस्ट डिग्री 2 दिखेगी आप उसको क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। थर्ड आता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल में हाइस्ट डिग्री होती है 3। सो जिसमें हाइस्ट डिग्री 3 आएगी उसे आप क्यूबिक बोलेंगे, जिसमें 2 आएगी उसको क्वाड्रेटिक, जिसमें 1 आएगी उसको आप बोलेंगे लीनियर। ओके, सो हम क्वेश्चन में आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। इसमें देखेंगे आप हाईएस्ट पावर क्या है, हाईएस्ट पावर इज 2। सो इट विल बी हाईएस्ट पावर जिसमें 2 होगी उसमें मैंने क्या बताया था आपको, वो होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सो हाईएस्ट पावर अगर 2 है तो ये होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज x माइनस एक्स क्यूब। अब इसमें आप देखेंगे हाईएस्ट पावर क्या है, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में हाईएस्ट पावर 2 थी, मींस डिग्री भी क्या होगी 2। सो आप देखेंगे इस कंप्लीट एक्सरसाइज में हर एक क्वेश्चन एक दूसरे से क्या है, लिंक्ड है। तो आपको स्टार्टिंग से लेके एंड तक हर क्वेश्चन को क्लियरली समझना पड़ेगा ताकि आपको पूरी एक्सरसाइज अच्छे से आ जाए और अच्छे से आप इस एक्सरसाइज को कर सके। इसमें हाईएस्ट पावर क्या है, आप देखेंगे हाईएस्ट पावर है x माइनस एक्स क्यूब में हाईएस्ट पावर है 3। थ्री एक वन है तो हाईएस्ट पावर जो लार्जेस्ट पावर है वो 3 है। सो डिग्री विल आल्सो बी 3। अब मैंने आपको बताया था जिसमें डिग्री 3 होती है, हाईएस्ट पावर 3 होती है, इसको आप डिग्री भी बोल सकते हैं, हाईएस्ट पावर को ही डिग्री बोलते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था, पिछले क्वेश्चन में बताया था डिग्री 2 एंड हेयर डिग्री 3। सो जिसमें हाईएस्ट पावर 3 होती है, डिग्री 3 होती है, उसको आप क्या बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। सो क्वेश्चन नंबर 2 में आप देखेंगे x माइनस एक्स क्यूब है इसके सेकंड पार्ट में, क्वेश्चन नंबर 5th के सेकंड पार्ट में। तो हाईएस्ट पावर इसमें 3 है, मींस डिग्री 3 है, डिग्री क्या है 3 है, सो इट विल बी क्यूबिक पॉलिनोमियल। नाउ हम इसके थर्ड पार्ट में आते हैं। थर्ड पार्ट है वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4। अब इसमें आप हाईएस्ट पावर यानी कि डिग्री क्या है आपकी 2 है। अब हम यहाँ पर थर्ड पार्ट से सीधे लिख लेते हैं, डिग्री क्या 2 है। अगर डिग्री 2 है तो मैंने आपको बताया था डिग्री 2 में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे, सो इट विल बी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नाउ हम इसके फोर्थ पार्ट में आते हैं, 1 प्लस x। अब इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है, 1 है, सो डिग्री विल बी 1 एंड इफ डिग्री इज 1 देन इट विल बी ये क्या होगा, लीनियर पॉलिनोमियल। नाउ इसके हम फिफ्थ पार्ट में आते हैं, फिफ्थ पार्ट है 3t। अब इसमें भी हाईएस्ट पावर 1 है, डिग्री क्या है, डिग्री इज 1, सो डिग्री 1 है तो कौन सा पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। एंड हम सिक्स्थ पार्ट में आते हैं, आर स्क्वायर इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है, 2। हाईएस्ट पावर हमारी 2 है, मींस डिग्री क्या है 2 है, और अगर डिग्री 2 है तो इसको हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नाउ हम इसके लास्ट पार्ट सेवन्थ पार्ट में आते हैं। सेवन्थ पार्ट में 7x क्यूब। अब हमें डिग्री क्लियर नज़र आ रही है, डिग्री है हमारी 3 बिकॉज हाईएस्ट पावर इज 3, सो इट विल बी 3 के केस में क्या होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। आई होप आपको ये एक्सरसाइज क्लियरली समझ आ गई होगी, और नेक्स्ट वीडियो में
नेक्स्ट एक्सरसाइज मैं आपको समझाऊंगी। थैंक यू।